तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्लास लेकर आइए, कोई ऐसी क्लास लेकर आइए जो मैराथन भी लेकर आइए, कोई ऐसी जो आने वाले एग्जाम में जहां से हमारे क्वेश्चन लग सके। भाई बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, क्लास तो मैं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम पर आप बहुत सारी चीजों को इधर उधर से पढ़ो। लास्ट टाइम पे जो आपने पढ़ रखा है केवल उसी का रिवीजन करिए, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जो होगा बेनिफिशियल होगा। और मैं देखिए और यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, आपको गलत गाइड करूंगा। देखिए, यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म होता है ये अपने डाउट क्लियर करने के लिए होता है, हल्का फुल्का रिविजन करने के लिए होता है। बाकी आप जितना ज्यादा से ज्यादा किताबों का यूज कर सकते हैं वो आप किताबों से ही पढ़िए, उसी से रिविजन करिए, आपका बेस्ट रहेगा। देखिए, राजधानी मुद्रा सब चीज मैंने उसमें डाल रखी है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, आप एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर फुल फॉर्म की वीडियो लेकर आइए, फुल फॉर्म और जो किससे रिलेटेड है कुछ मेरे याद नहीं आ रहा, कुछ और भी पूछा था बच्चे ने, तो वो सब चीजें मैंने देखी उस पर डाल रखी है। जो चीज कुछ रह रही होंगी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, YouTube एक गाइडेंस के लिए होता है, ना कि फुल फॉर्म तैयारी करने के लिए। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये जो GST दरें हैं, जैसे कि क्वेश्चन बन रहे हैं GST दरों से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कौन कौन सा आपसे पूछा जा सकता है। 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो GST दरों के अंदर शामिल किए हैं, आपने 250 याद नहीं करने, केवल उतनी चीजें जो संभावित मुझे लगता है कि पूछी जा सकती हैं वे मैं आपको करा देता हूं इस वीडियो में। भाई बच्चों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां से ये दरें हैं, जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो में, 0%, 5%, 12, 18 और 28। सर्वाधिक कर जो होता है वो 28% का होता है, न्यूनतम 5% का होता है। GST कर जो होते हैं, यदि आपसे प्रकार पूछता है कितने प्रकार होते हैं तो आपने चार ही लगाने हैं। कितने प्रकार लगाओगे भाई बच्चों? तो आप लगाओगे चार। जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते, एग्जामिनर इसमें चार ही प्रकार सही करता है। वही बात करें GST की, जो ये होते हैं GST की टाइप, GST की जो टाइप होती है ये आपकी तीन प्रकार की ही होती है। यहां मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं अब सोचेंगे कि सर कौन कौन सी टाइप होती है और किस किस टाइप की होती है। तो ये GST की जो है ये ही भाई, जो मैंने ऑफिशियल साइट खोल रखी है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर ये आ जाएगा CGST, SGST। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर UGST तो आपने जोड़ी नहीं। दरअसल UGST SGST के अंदर ही काउंट होती है, और IGST ये ही टाइप होती है और कोई टाइप नहीं होती। और आपका यहां से कोई डाउट रहेगा तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, आप यहां से जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज के प्रोडक्ट के इन्होंने बताया है कितने परसेंट लगेगी। देखिए, मिल्क पर कितनी लगेगी, क्रीम पर कितनी लगेगी, ये सभी चीजें इसके ऊपर बताई गई है। मैंने बहुत एहतियात बरती है कि आपको बिल्कुल सही डाटा प्रोवाइड कराऊं, लेकिन फिर भी यदि कोई चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि चूक होगी नहीं वैसे। ठीक है भाई बच्चों, तो चूक होगी नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं, तो GST प्रकार अभी सिलेक्ट करोगे तो कितने, चार ही करोगे, और टाइप कितनी होगी, तीन ही आपने सिलेक्ट करनी है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए जीरो किस किस में रखा जाता है। तो यहां कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो दूध दही और अंडा है ये 5% में रखा जाता है। देखिए, जितने भी खुले प्रोडक्ट है यहां पर आप खुले लिख सकते हो, तो खुले प्रोडक्ट जो है उन पर 0% ही लगती है। दरअसल इसमें जो रखते हैं हम आवश्यक वस्तु को रखते हैं, आवश्यक वस्तु जो है हम वो किस में रखेंगे, वो आवश्यक वस्तु हम जीरो में रखेंगे। जो रोजमर्रा की खुली वस्तुएं हैं वो जीरो में रखी जाती है, लेकिन वही पैकिंग वाला जो सामान हो जाता है, दही पैकिंग वाली, दूध पैकिंग वाला, ये हम 5% में रख देते हैं। वैसे 12% में भी रखे जाते हैं, जो प्रोडक्ट डब्बे बंद दूध वगैरह होते हैं वे हम 12% में भी रखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कौन कौन से आपसे पूछेगा, दूध पूछेगा, हालांकि पूछा जा चुका है, उसमें 0% नहीं था तो सीधा सीधा आपने 5% सेलेक्ट करना था।
दही अंडा, अंडा आपको देखिए यहाँ पर 5% में भी मिल सकता है, लेकिन आपने अंडा जो है वो 0% में, जीरो नहीं देगा तो फिर 5% देगा आपको। नमक, शिक्षा सेवाएं, एक बच्चे ने मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इन पर भी बताया था कि सर इन पर जीएसटी है, तो भाई ये जो है 0% में ही रखी गई है, जो 53वीं बैठक हुई है जीएसटी परिषद की उसमें इनका जो रेट है वो 0% ही है। तो शिक्षा पर, और जो स्वास्थ्य सेवाएं, भारतीय रेलवे की जो सेवाएं होती हैं जैसे व्हील चेयर वगैरह होती हैं, बैठने के लिए जो रूम होते हैं, विश्राम रूम जो होते हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट जो होते हैं, उन पर जीएसटी जीरो ही है। वही बात करें बंद दही या दूध पैकेट वाला है, उस पर 5% लगेगी। ब्रेड पर 5% लगेगी। मसाले 5% में आएंगे। कपड़ा 5% में, पहले 12% में हुआ करता था लेकिन अभी जो है 5% में है। कोयला इंपोर्टेंट है, कपड़ा और कोयला आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में। समाचार पत्र जो होते हैं, वैसे इसके अंदर बुके भी रखी जाती है लेकिन एजुकेशन वाली बुके जो होती है उन पर 0% जीएसटी होती है। घरेलू एलपीजी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्क करना क्योंकि ये पूछी जा सकती है आपसे। सभी प्रकार के खाद्य तेल, जितने भी खाद्य तेल हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है, रिफाइंड ऑयल जो होता है, जो खाने वाले सामान में यूज होते हैं, उनमें 5% रखी गई। यहाँ की बात करें, देखिए कपड़ा आपको यहाँ पर भी, कपड़ा यहाँ पर नहीं है, जो नहीं कपड़ा यहाँ पर है ये गलत है, ठीक है। तो कपड़े में 5% ही है, जो धागे हैं उसका, धागे में 12% दी गई है, कपड़ों के जो धागे हैं उसमें 12%। भवन निर्माण के लिए ईंट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक आइडिया मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन सा आपके एग्जाम में बन सकता है। भवन निर्माण के लिए ईंटें जो हैं ये 12% में रखी गई है। मक्खन, घी, ये जो रखे गए हैं ये रखे गए हैं 12% में। कपास जो है, जिससे धागा बनता है, कपास जो रखी गई है ये 12% में। लकड़ी का पत्थर, मार्बल, संगमरमर, ये रखे गए हैं 12%। 18% की बात करें तो यहाँ खेला कर सकते हैं, यहाँ पर पेन की जगह कलम ही देगा आप, ठीक है। तो जिस टाइप से एग्जामिनर लैंग्वेज बना रहा है तो वो यहाँ पर कलम ही देगा, पेन या कलम दोनों एक ही बातें हैं, इन पर 18% कर दी गई है। चॉकलेट और जो कोको उत्पाद होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है, इन पर रखी गई है 18%। मोबाइल, होटल, जो आवास है, जैसा आप होटल लेने जाते हो, कोई होटल लेते हो तो होटल लेने पे आपको टैक्स पे करना है, मान लिया तो रूम 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए पे टैक्स लगेगा आपका 18%। 28% जो है इसके अंदर कैफीन युक्त जो भी मादक पदार्थ है, नशे वाली जो चीजें हैं, उन पर 28% लगाई गई है, जैसे तंबाकू, सिगरेट, इन पर 28% मिलेगी। मोटर वाहन जो है, लग्जरी कारें जो हैं, वे इसके अंदर 28% में। वहीं ईवी व्हीकल की बात करें तो ईवी व्हीकल में कुछ ना कुछ छूट दी गई है, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। एयर कंडीशन, एसी वगैरह जो है ये, और ऑनलाइन जुआ, जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, लॉटरी वगैरह जो होती है, या नॉर्मल जो वैसे लॉटरी लगती है, वे सब जो है 28% में रखी गई। डाक और कोरियर सेवाएं जो है ये भी 28% में रखी गई है। इतनी चीजें ही बस आपने याद करनी है प्यारे बच्चों। यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं, जैसे सोना, सोने की बात करें, जो सोना और चांदी जो है, चांदी इन पर जो लगती है दोनों पर, ये लगती है 3%, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। चांदी पर कितने परसेंट, या सोने पर कितने परसेंट, या जो मोती होते हैं ना, जवाहरात जो होते हैं, इन पर कितनी लगती है, 3% लगती है। वही बात करें जो आपकी ज्वेलरी जो होती है, उस पर देखिए जीएसटी सोने पर नॉर्मल 3% लगती है, लेकिन साथ ही मेकिंग चार्ज पर 8% अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है। तो इस तरह अतिरिक्त कर जो लगता है बनाने पर, ज्वेलरी पर जो लगता है, वो कितना लगता है, 8% लग जाता है। तो जौन सा भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपके डाउट थे, जैसे गाढ़ा दूध, पनीर, मक्खन, दूध, डब्बे, घी, डेयरी उत्पाद, इन पर 12% लगती है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। पनीर, दही, लस्सी, छाछ जो है, और सहित पहले जो पैक लेवल वाले दूध उत्पादन होते हैं उन पर 5%, और जो खुले दूध होते हैं उन पर जो लगती है उन पर 0% लगती है, ये आपने याद रखना है। इस पूरे पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको टेलीग्राम पर, इसकी मैंने पहले क्लास ले रखी है, आप वो क्लास देख लीजिए। जीएसटी से कोई क्वेश्चन यदि आपका पहला, जैसे कि संवैधानिक निकाय है, मुख्यालय दिल्ली है, तो ये सारी मैंने क्लास पहले ले रखी है। इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, और ये साथ में अटैच करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा,
ताकि आप एक बार फिर से रिवीजन कर सके। ये जीएसटी के प्रकार जो है कितने भागों में बांटी गई है ये सब चीजें मैंने पहले करा रखी है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्यारे बच्चों जरूर देख लें, क्योंकि जीएसटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये पोर्शन उसमें स्कीप था, मुझे नहीं लगता था कि ये टाइप पूछी जानी थी, लेकिन पूछी जा रही है तो ये टाइप भी मैंने करा दी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ में भी आ गया होगा कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही भाई बच्चों, मैं फिर कहता हूं आप ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ज्यादा नवी चीजें पढ़ने की कोशिश मत करिए। आपने 17 18 20 क्वेश्चन तक करने हैं, नॉर्मल इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे भी, कर देना बस। उसके बाद जैसे मैंने प्लान बता रखा है आपको, संजीवनी बूटी के रूप में 30-31 वालों को बता रखा है, आप उसको फॉलो करिए, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, ये मेरा वादा है और विश्वास है।